द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या मेहुल चौकसी को मोदी सरकार ने भगाया? कांग्रेस ने जो खुलासा किया है उससे हड़कंप मच गया है। एक बार फिर से कांग्रेस ने एक लेटर जारी करते हुए दावा किया है कि मोदी सरकार ने मेहुल चौकसी को भगाने में मदद की है। ये हम नहीं कह रहे हैं और इस लेटर की पुष्टि द लाइव टीवी भी नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा जारी किया गया एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने मेहुल चौकसी को भगाने में मदद की है। इस संबंध में आप अनिल पटेल का एक ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए, इसमें वो पत्र भी दिखाया गया है और INC टीवी का ठप्पा उस पत्र में लगा भी दिया गया है। उस पत्र में क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अनिल पटेल का यह ट्वीट देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इससे पहले भी कांग्रेस ने इस बात का दावा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेहुल चौकसी को भगाने में मोदी सरकार का हाथ है। बिना मोदी सरकार के सपोर्ट के चौकसी नहीं भागा और अब तो आप सब जानते हैं कि मेहुल चौकसी के ऊपर से रेड कॉर्नर नोटिस भी हटा दी गई है, जिसके बाद मेहुल चौकसी कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। पहले अनिल पटेल का ट्वीट देखिए, इसमें कहा गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बयान, जब भाजपा आती है तब भ्रष्टाचार भागता है। अब उन्होंने सबूत दिया है, भाजपा आते ही PMO को 26 जुलाई 2016 को पत्र लिखकर आगाह किया जाता है कि मेहुल चौकसी भाग जाएगा, उसे जल्द पकड़ो। मेहुल चौकसी 17 महीने बाद भ्रष्टाचार कर भाग गया, अब रेड कॉर्नर नोटिस भी रद्द। फिर आगे अनिल पटेल ने जो लिखा है उसे देखिए, मोदी सरकार के बराबर भ्रष्टाचार तो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया और ना कोई राजनीतिक पार्टी आगे कर पाएगी, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर जिस तरह भारत को लूटा है उसकी भरपाई करते करते ही 35 वर्ष से अधिक लग जाएंगे। इतनी बड़ी लूट खसोट का आरोप कांग्रेस ने मोदी सत्ता पर लगाया है। मोदी सरकार पर यह गंभीर आरोप लगा दिया कि मेहुल चौकसी को भगाने में इसी सरकार ने मदद की है। लूट खसोट इतना हुआ है कि कम से कम 35 वर्ष लगेंगे इन चीजों को मेंटेन करने में। अब जरा अपने स्क्रीन पर वो पत्र भी देखिए, किसने लिखा, किसको लिखा, इसमें जो INC टीवी ने शेयर किया है और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह पत्र हरि प्रसाद के द्वारा है, फ्रॉम हरि प्रसाद, और 29 जुलाई 2016 को 12:48 पर यह पत्र भेजा गया है। इसमें सब्जेक्ट क्या है उसे भी ध्यान से देखना जरूरी है। सब्जेक्ट में है, कंप्लेंट्स लॉज्ड एट PMO एंड CIC अगेंस्ट गीतांजलि जेम्स लिमिटेड मुंबई एंड इट्स MD मिस्टर मेहुल सी चौकसी। और यह सब्जेक्ट आप समझ गए कैसे PMO और CIC में जाकर ये पत्र जो है कंप्लेंट दर्ज कराया गया है और जानकारी इस पत्र के जरिए दी गई है कि मेहुल चौकसी के खिलाफ कंप्लेंट, गीतांजलि जेम्स के खिलाफ कंप्लेंट है। और इसमें यह पत्र PGO 100 एवरेस्ट मरीन ड्राइव मुंबई, यहां इस पते पर भेजा गया है। इसमें जो बातें ऊपर लिखी गई हैं उसे जरा देख लीजिए, दिस हैज रेफरेंस टू द ग्रीवेंस फॉरवर्डेड टू योर ऑफिस फ्रॉम PMO एज अंडर, यानी PMO ऑफिस से यह ग्रीवेंस उन्हें फॉरवर्ड किया गया है। अंडर क्या लिखा हुआ है वो देखिए, वी आर अवेटिंग टू नो द एक्शन टेकन बाय यू बिफोर इट बिकम टू लेट एंड द एक्यूज्ड फ्ली फ्रॉम द कंट्री लाइक विजय माल्या ऑफ किंगफिशर ग्रुप। इन्होंने कहा है कि हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आपके तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, क्योंकि यह काफी लेट हो रहा है, जो एक्यूज्ड हैं वो विजय माल्या की तरह उड़ गए। इस संबंध में जरा देखिए कि आगे जो पत्र में तमाम बातें डिटेल्स हैं हरिप्रसाद के द्वारा भेजे गए और रिसीव्ड बाय PMO फॉरवर्डेड टू ROC और ऑफिसर नेम PGO ऑफिसर PGO, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो पत्र शेयर किया है वो बेंगलुरु के एक बिजनेसमैन हरिप्रसाद का है, जिन्होंने PMO को पत्र लिखकर मेहुल चौकसी की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी कि वो भाग सकता है, इन पर समय रहते कार्रवाई करें। और यह पत्र अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें तमाम बातें लिखी हुई
कि वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस पत्र के आधार पर ही सरकार कम से कम कोई कार्रवाई करे। बावजूद इसके मोदी सरकार ने क्या किया उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। इस पत्र के बारे में अगर और डिटेल में समझना हो तो जरा आप scroll.in की यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। इस मामले में हरिप्रसाद ने कहा कि उन्हें 18 जुलाई 2016 को ROC से एक ईमेल मिला था जिसमें कहा गया था कि उनकी शिकायत का निपटान कर दिया गया है, और उससे पहले उन्हें जब पावती मिली थी उसमें कहा गया था कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है, जो इन्होंने मेहुल चौकसी के बारे में जानकारी दी थी उस आधार पर। और फिर इसमें आगे जानकारी क्या दी गई है, इसके बाद उन्होंने एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने का प्रयास किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यहां देखिए कैसे लापरवाही बरती गई, इस बात की जानकारी स्क्रोल से पता चलती है। फिर उन्होंने लिखा है जो 29 जुलाई वाला पत्र आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे 29 जुलाई को ROC से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, मैंने पावती की प्रति PMO से ROC को फिर से यह कहते हुए भेज दी कि किंगफिशर समूह के विजय माल्या की तरह अभियुक्तों के भाग जाने से पहले तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रसाद ने उस वक्त द हिंदू को यह बातें बताई। बाद में उन्होंने कहा कि मुझे चौकसी के लोगों से पता चला कि उन्होंने ROC में कुछ लोगों को मैनेज किया और मामला बंद हो गया, उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। अब जरा समझिए कि मामला कितना गंभीर है जो ये आरोप हरि प्रसाद लगा रहे हैं, और उसी पत्र को जब कांग्रेस ने शेयर करके यह दावा किया है कि मोदी सरकार ने चौकसी को भारत से बाहर भगाने में मदद की है, तो फिर इस दावे में दम तो दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले 2018 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एंटीगा गवर्नमेंट के आधार पर कि मेहुल चौकसी को भगाने में कहीं ना कहीं मोदी सरकार का हाथ है। उसमें क्या कहा गया है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। नवभारत टाइम्स ने अपने हेडलाइन में ही लिखा है कि एंटीगा से आई जानकारी से साफ है कि मोदी सरकार ने चौकसी को भगाने में मदद की, कांग्रेस का यह स्टेटमेंट है। इसमें एंटीगा अथॉरिटी ने क्या कहा था यह भी समझना जरूरी है। तो नवभारत टाइम्स ने लिखा, मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एंटीगा अथॉरिटी का कहना है कि जब एंटीगा ने PNB स्कैम के आरोपी मेहुल चौकसी के बारे में भारतीय एजेंसियों से जानकारी मांगी तो उन्हें चौकसी के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल जानकारी नहीं मिली। सुरजेवाला ने कहा, पहले लूट करवाना और फिर उन्हें भगाना मोदी सरकार की नीति बन गई है। एंटीगा अथॉरिटी की तरफ से हुए खुलासे से साफ होता है कि कैसे मोदी सरकार ने इस मेगा स्कैम में निष्क्रियता दिखाई। सुरजेवाला ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब इस साल अप्रैल में PM मोदी एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्रांड से मिल रहे थे तो उन्होंने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। इसका मतलब है कि विदेश मंत्रालय ने भी उन्हें यानी चौकसी को क्लीन चिट दे दी। तो कुल मिलाकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की भूमिका यहां सवालों के घेरे में है, चाहे जो भी बाहर भाग रहा हो देश का पैसा लूट करके वो सब अभी मजे में है, लेकिन भारत सरकार इस वक्त मेहुल चौकसी के रेड कॉर्नर नोटिस को लेकर भी क्या कर रही है वो भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।